अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के कुछ फनी फैक्ट्स के मुतालिक बताऊंगी। पाकिस्तान में अगर इस्त्री दस्तयाब ना हो तो नहाने के फौरन बाद कपड़े पहन लें तो वो खुद ही इस्त्री हो जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में गंदी जगह को साफ करने के लिए गंदा कपड़ा ही मंगवाया जाता है। पाकिस्तान में 14 अगस्त पर झंडियां लगाने के लिए गूंद की जरूरत भी नहीं पड़ती। आटे में पानी डालें और झंडियां लगा लें। पाकिस्तान में मुंह को ठंडा करने के लिए होस्ट टॉफी खाई जाती है, जिसे कुछ लोग गरीबों का एसी भी कहते हैं। दूसरे मुल्कों में VIP वेरी इंपॉर्टेंट शख्स के लिए बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज के लिए जी ए बड़ी VIP शेवे। पाकिस्तान में एड्स कुछ इस तरह के होते हैं। पाकिस्तान की नेशनल आपा जुबैदा आपा है। पाकिस्तान में जहाँ लिखा हो कूड़ा फेंकना मना है, लोग उधर ही कूड़ा फेंकते हैं और फिर लोग इस तरह के इश्तेहार लिखते हैं। पाकिस्तान के लोग उधार चीजें लेने में माहिर हैं और फिर मजबूरन दुकानदार को ये लिखना पड़ता है। पाकिस्तान में चीमा बस का ड्राइवर कफन बांधकर बस में सवार होता है। जितना मर्जी रश हो ये बस कभी नहीं रुकती। पाकिस्तान में रिक्शा के ऊपर ऊंट तक ट्रांसफर कर लिया जाता है। पाकिस्तान का कौमी झूठ ये है, फोन साइलेंट पर था, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में पाकिस्तान का कौमी झूठ है रस्ते में हूं। पापा जी, पाकिस्तान का कौमी झूठ कीजिए। बाबा जी फरमाते हैं कि पाकिस्तान का कौमी झूठ बारात रवानगी 12 बजे, निकाह 1:30 बजे, तो रोटी 2:30 बजे। पाकिस्तान में जो चीज फेमस हो जाए सबसे पहले मार्केट में उस नाम के पापड़ आते हैं। पाकिस्तान के लोग जूस पीकर उसके डब्बे का पटाखा बजाना कौमी फरीजा समझते हैं। पाकिस्तान में नशे को जहाज कहा जाता है। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के कुछ फनी फैक्ट्स। अगर आप भी पाकिस्तान के किसी फनी फैक्ट के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।